अंदर आ जाओ भाई। कौन है? अबे दरवाजा खोल। मालिक है। मालिक? जहां जहां गंदगी है वहां कपड़ा मारो। जी मालिक। व्हाट नॉनसेंस। माफ कीजिएगा मालिक, आपने ही तो कहा जहां गंदगी है वहां कपड़ा मारो। अगर तू दहेज में आया नौकर नहीं होता ना, तो कब का मैंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता। जा अच्छा कोल्ड ड्रिंक ले गया। मालिक ड्यू लाऊं या पेप्सी? पेप्सी ले आ। कांच की या प्लास्टिक की? कांच की। छोटी या बड़ी? नहीं चाहिए, जाए गिलास पानी ला दे। ठंडा लाऊं या गरम? चल भाग यहाँ से। हुजूर धीमा भागू या तेज? अबे रुक। अरे आप क्यों हर वक्त इशू को सुनाते रहते हैं? तुमने सर पे चढ़ा लिया इसे, पागल खाने भेजूंगा इसे। इशू तुम जाओ। लाओ तुम ही ला दो पानी। मैं क्या आपके इन्हीं कामों के लिए आई हूँ? विधायक की बेटी हूँ मैं, ये सब काम नहीं करूंगी। जब देखो विधायक की बेटी, विधायक की बेटी। जब इतना गुरूर था तो शादी क्यों की? चली जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ तो? मेम साहब लीजिए साहब पानी। मेम साहब रिश्तों में गुरूर घमंड नहीं होना चाहिए। दो दिल तब जुड़ते हैं जहां हम अपना नाम, अपना ओहदा, सब कुछ साइड रख कर चलते हैं। और ये जो मैं होता है ना, यह हमें इंसान से ही क्या, खुदा से भी दूर कर देता है। अब आपकी पहचान आपके विधायक पापा से नहीं, आपके शौहर से है। सॉरी, मैं विधायक की बेटी नहीं हूँ, आपकी वाइफ हूँ। निशा कहाँ हो बहन? आओ यार बैठो। ईशु। जी मेरी मैम साहब। मैम साहब की सहेली साहब, क्यों रहती हो अकेली साहब? रख दो हमारे हाथ पे अपनी हथेली साहब, बन जाओ हमारी दुल्हन नई नवेली साहब। इशू बुरा मत मानना बहन, तुमने अपने नौकर को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, इसको अभी मेरे सामने कोई सजा दो। चलो मुर्गा बन जाओ उधर। बोलो अब कोई आखिरी ख्वाहिश है? पूरी करोगी सहेली साहब? जरूर। हमारे बदले मुर्गा तुम बन जाओ। गेट आउट। सॉरी और बताओ। बताऊं क्या, वो तुम्हारी पड़ोसन खुशबू तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी बहन, कह रही थी कि तुम बहुत घमंडी हो, किसी से बात नहीं करती हो। उस मोटी की इतनी हिम्मत, बदनाम कर रही है तुम्हें वो। सहेली साहब आप हमारे पड़ोसी की चुगली कर रही हो मेरी मेम साहब, और हमारे पड़ोसी के दिल में फसाद पड़वा रही हो। एक बात याद रखना, चुगलखोर को अल्लाह पसंद नहीं करता, कोई भी चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और मेरी मेम साहब जब तक कोई आपकी बुराई आपके सामने ना करे तब तक यकीन नहीं करना चाहिए। हेलो क्या कर रहे हो? यार ऑफिस में हूँ तो काम ही करता हूँगा। मुझे हैप्पीनेस की स्पेलिंग नहीं आ रही, बता दीजिए। अच्छा लिखो UNMARRIED। अनमैरिड? अच्छा ईशु तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तुम्हारी बीवी का क्या हुआ? अरे मैम साहब हमारी सास बड़ी चंडाल है, बड़ी चंडाल। एक बार हम अपनी ससुराल गए अपनी बीवी को लेने। सासू माँ दामाद आ गया आपका। बिटिया कर लेने, भेजो बिटिया को। अरे दामाद जी आओ अंदर। अंदर नहीं आएंगे, जल्दी से बिटिया को भेजो, हमें जाना है। दामाद जी जब भी आते हो यही पुरानी सफेद शर्ट पहन के चले आते हो, कोई नई शर्ट ले लो। अच्छा हमें एक कमीज पे नजर है आपकी, आपके घर में चार बेटी हैं, जब भी बुलाने आते हैं वही पुरानी वाली भेज देती हो, नई वाली भेज दिया करो, शर्ट नई ले आए, बीवी जब भी दो पुरानी दो। चला जाए यहाँ से। बस तभी से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। बेगम आज तो बहुत थक गए। मैंने जो सूट बोला था वो लेके आए? भूल गया यार। आपका यही ड्रामा है, मैं जो भी काम कहती हूँ आपको याद ही नहीं रहता है। जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूँ लड़ना शुरू कर देती हो। मैं लड़ रही हूँ, बात तो आप ही निकालते हैं। मेम साहब। अरे यार मैं जा रहा हूँ। मालिक। अरे मेम साहब जब शोहर काम पे से वापस आए तो अच्छी सी स्माइल के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। हो सकता है बॉस ने डांटा हो या बाहर किसी से लड़ाई हुई हो,
बहुत थके हुए भी हो सकते हैं। ऐसे में आपकी एक प्यारी सी स्माइल आपके शौहर की पूरी दिन की थकान उतार सकती है मैम साहब। इसलिए शौहर जब भी काम पे से वापस आए खुशी से पेश आया करो। ईशु इधर आओ, देखो मेरे गेस्ट आए हैं। जी मालकिन। हाँ मैम साहब गेस्ट आए ये तो बता रही हो, गेस्ट नहीं भी आई है ये नहीं बता रही हो। बहन मना किया है ना तुम्हें, उसे परेशान मत किया करो, जाओ जाके खाना बनाओ। जी लाते हैं। टाइम क्या हो रहा है? हमें टाइम देखना नहीं आता है। हम तुम्हें 2 मिनट में सिखा देंगे, ये बताओ बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है? सब दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। भैया जाओ रोटी लेके आओ। थैंक यू। अरे रोटी पे बहुत घी लगा दिया। माफ कीजिएगा मालिक, गलती से मैंने आपको अपनी रोटी दे दी। हाँ रुक, तेरी इतनी हिम्मत, नौकर होके हमारे साथ बैठ गया, उधर जाके खाना खा, चल जा। सही कहते हो मालिक, हमारी इतनी औकात कहाँ, हम तो नौकर हेंगे, हमारे बाप दादा पूरी जिंदगी आप लोगों की खिदमत करते करते मर गए, हम भी आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपके लिए अपनी जान क्यों ना दे दें, मगर हम इस लायक नहीं हो सकते कि आपके साथ बैठ के खाना खा सकें। नौकरेंगे नौकर भैया नौकरेंगे, मगर एक बार सोचना जरूर कि नौकर आपकी तरह इंसान नहीं होता। रुको निशा। सहेली साहब मार्केट गए हैं दोनों। ईशु क्या कर रहे हो? दही जमा रहे हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो चलो किसी से मिलवाना है तुम्हें। अभी आए, मालिक साहब के कपड़े पहन ले रहा हूँ, लग रहा है माँ बाप से मिलवाएगी, अब मेरी भी शादी हो जाएगी। तुम यहीं रुको मैं अभी आई। ये लो पैसे, जिसे मारना है वो वहाँ खड़ा है। हमें पैसा नहीं तुम चाहिए। ईशु मार साले को। जी अपने रुपए सहेली साहब, और कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना, गलत सोचो तो खुद की बारी का इंतजार भी करना।